हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी सी प्रोग्राम को लिखा जाता है, उसको लिखने का तरीका क्या है, यानी सी प्रोग्राम को लिखने का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहली बात, ती सी प्रोग्राम आप कहाँ पे लिखेंगे। इसके दो तरीके हैं, या तो हम कोई आईडीई यूज कर सकते हैं या हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं। सी प्रोग्राम की बहुत सारी आईडीज हैं, यानी सॉफ्टवेयर एक तरीके से आप कह सकते हो, जो कि ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, जैसे कि डेव सी प्लस प्लस, टर्बो सी, वो हम डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख सकते हैं और उसमें हम सी प्रोग्राम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि कोई भी एक ऑनलाइन कंपाइलर आप यूज़ कर सकते हो। आप लिखें ऑनलाइन सी कंपाइलर गूगल में और आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर आ जाएंगे, जिसमें से पहला वाला प्रोग्रामर्स कंपाइलर मैं प्रेफर करता हूँ इसमें लिखना। इसमें आपको एक ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप प्रोग्राम लिख सकते हो और राइट हैंड साइड पे आपको उस प्रोग्राम का आउटपुट दिखेगा जब आप इस रन की को प्रेस करेंगे। ये आपका आउटपुट है। तो हम अपनी सीरीज में इसी ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए पहले ही समझ लेते हैं कि इस प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे। तो ये हमारा प्रोग्राम का टॉप शुरू हो रहा है, ये सबसे ऊपर की चीज है प्रोग्राम में, जो सबसे पहले लिखा जाता है सी प्रोग्राम में, वो लिखा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जैसा कि नाम से इसको पता चल रहा है कि प्री प्रोसेस मतलब हमारे प्रोग्राम को चलने से पहले जो जो चीज की जरूरत हमें प्रोग्राम को रन करने के लिए है, वो सारी की सारी चीज हम अपने प्रोग्राम के टॉप में लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ हैश INCLUDE लेस देन STDIO.h, इसका ये मतलब है कि मैंने अपने प्रोग्राम में STDIO.h नाम की फाइल को इंक्लूड किया है। अब मैं इस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड क्यों कर रहा हूं, कारण ये है। इसका जवाब है, इस हेडर फाइल के अंदर .h इसका एक्सटेंशन है, इसलिए इसे हेडर फाइल बोला जाता है। इस हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस लिखे हुए हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस जो कि किसी और ने आपकी सुविधा के लिए लिख दिए हैं, आपको उन्हें बस यूज करना है अपने प्रोग्राम में। तो आप अगर उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, तो वो फंक्शन जिन हेडर फाइल में लिखे हुए हैं, उन हेडर फाइल को आपको अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फंक्शन काम नहीं करेगा अगर आपने उससे रिलेटेड हेडर फाइल यूज नहीं की। कौन कौन से फंक्शन किस हेडर फाइल में लिखे हैं, ये हम धीरे धीरे जब प्रोग्राम करेंगे तब समझ लेंगे कि आप कौन कौन से फंक्शन यूज कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन सी हेडर फाइल आपको स्टार्टिंग में इंक्लूड करनी है। इस हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर, ये उस हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर देता है। इंक्लूड एक कीवर्ड है जो आपको लिखना पड़ेगा किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, stdio.h उस हेडर फाइल का नाम है। उसके ठीक नीचे आप ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में। देखो, वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, ग्लोबल या लोकल। हम लोकल भी यूज करते हैं, हम ग्लोबल भी यूज करते हैं, अपने अपने यूज के हिसाब से आप उसे डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये है कि ऐसा एक वेरिएबल जो आपके पूरे प्रोग्राम में नोन हो, यानी सब उसे जानते हो, इसीलिए उसका नाम ग्लोबल है। वेरिएबल क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। वेरिएबल क्या है, सपोज करो कि मैंने लिखा एक्स और एक साइड मैंने लिखा फाइव। अब एक्स एक अल्फाबेट है जिसकी कोई एक वैल्यू नहीं है, एक्स है मैथमेटिक्स में। फाइव एक नंबर है जिसकी एक फिक्स वैल्यू है फाइव, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, इसलिए इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। फाइव कभी सिक्स नहीं हो सकता, फाइव कभी सेवन नहीं हो सकता, फाइव हमेशा फाइव ही रहेगा। एक्स अगर मैंने कहा तो एक्स को हो सकता है मैं बोलू सिक्स, अगर मैंने बोला एक्स सेवन है, अगर मैंने बोला एक्स एट है, इस x की वैल्यू आपको पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज मैं बोल रहा हूँ x 6 है तो आप x को 6 मानेंगे, अगर मैं बोलूँ x 7 तो आप x को 7 मानेंगे, अगर मैं बोलूँ x 8 है तो आप x को 8 मानेंगे। यानी x की वैल्यू वेरी कर रही है, इसलिए इसे हम बोलेंगे वेरिएबल।
और जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती, फिक्स रहती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। अगर आपको अपने प्रोग्राम में एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो पूरे प्रोग्राम में उसे सब जानते हों, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल्स टू 10, तो इसका ये मतलब है कि x 10 है, अब पूरा प्रोग्राम यानी मेन का फंक्शन, मतलब यहाँ पे फंक्शन 1 के अंदर, फंक्शन 2 के अंदर, सब इसको जानते हैं, इसकी वैल्यू को x इक्वल्स टू 10। धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, एकदम से नहीं होंगे, ठीक है? आपको सीरीज के साथ बने रहना है और धीरे धीरे ये सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे टाइम। अब आ जाता है हमारा मेन ग्लोबल वेरिएबल, यानी ऐसा वेरिएबल जो मेरे पूरे प्रोग्राम में नोन हो, उसके बाद मेरा मेन बॉडी स्टार्ट होती है। इंट मेन का मतलब है यहां से मेरा मेन प्रोग्राम यानी मेन फंक्शन, इसको इसको बोला जाता है मेन फंक्शन। ये मेरा मेन फंक्शन यहां से शुरू हो रहा है, यानी मेरा प्रोग्राम यहां से रन होना शुरू होगा। इस मेन के आगे इंट लिखा है, कहीं बहुत सारे कंपाइलर में इसके आगे वॉइड लिखा रहता है, कहीं इसके आगे वॉइड मेन वॉइड लिखा रहता है, इंट मेन लिखा रहता है। इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक रिटर्न टाइप है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। इस मेन के बाद दो ब्रैकेट लगेंगे जिससे पता चलेगा कि ये मेन फंक्शन है, उसके बाद इसका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। कर्ली ब्रेसेस का मतलब है इस मेन की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है यहां से, और जहां ये कर्ली ब्रेसेस एंड होंगे यहां इस मेन की बॉडी हो चुकी है खत्म, यानी ये मेन जो है वो यहां से यहां तक है। इस मेन के अंदर आप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे लोकल और ग्लोबल का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा वाई इक्वल्स टू 10, सपोज करो एक वेरिएबल जो मैंने मेन के अंदर बनाया वाई इक्वल्स टू 10, एक वेरिएबल जो मैंने मेन के बाहर बनाया एक्स इक्वल्स टू 10। अब अगर मैं इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर देखूं एक्स को और वाई को, तो एक्स यहां विजिबल है, मतलब एक्स को ये फंक्शन जानता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है, क्योंकि आपने वो ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, और वाई इक्वल्स टू 10 इसको नॉट विजिबल है, वाई नॉट विजिबल। क्यों? क्योंकि वाई जो है वो मेन के अंदर है। तो मेन के अंदर यानी जिस भी वेरिएबल को आप किसी कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनाएंगे, वो वेरिएबल सिर्फ उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही विजिबल होगा, उस कर्ली ब्रेसेस से बाहर उसे नहीं जानते। इस वेरिएबल को बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और जो वेरिएबल हर जगह विजिबल हो उस वेरिएबल को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ये लोकल वेरिएबल है मेन का, ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, यहां से लेके यहां तक, इसको सिर्फ यहां से यहां तक जानेंगे। अगर मैंने किसी तीसरे फंक्शन के अंदर भी एक लोकल वेरिएबल बनाया है तो ये लोकल वेरिएबल सिर्फ इस फंक्शन का है। तो ये वेरिएबल इस फंक्शन का, ये वेरिएबल इस फंक्शन का, ये वेरिएबल मेन फंक्शन का, और ये वेरिएबल सब का, सब जानते हैं इसे। ये लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस है। तो मेन आपका जब खत्म होता है तो लास्ट में आप लिख देते हो रिटर्न जीरो, यानी इस प्रोग्राम के मेन फंक्शन ने जीरो रिटर्न करके दिया है। उसके बाद आप डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन बना सकते हो। और हाँ, मेन के अंदर जब भी आप कोई चीज लिखोगे तो उसे आप लिखोगे स्टेटमेंट्स में। प्रोग्राम में जितनी भी आपने चीजें लिखी हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखी जाएंगी, और हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करोगे आप सेमी कॉलन से। मान लो आपने लिखा इंट एक्स इक्वल्स टू 10, ये आपने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आपने एक टर्मिनेशन लगाया, यानी इस टर्मिनेशन का मतलब है ये आपका लाइन खत्म हो गई। तो हो सकता है आपके प्रोग्राम में 50, 100, 200 स्टेटमेंट हो, हर स्टेटमेंट को आपको सेमी कॉलन से खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। ठीक है, वो हम धीरे धीरे डिटेल में देखेंगे स्टेटमेंट क्या है। ऐसे ही मेन फंक्शन के बाद आप अपना खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हो। ये फंक्शन आपने खुद बनाया है, ये फंक्शन भी आपने खुद बनाया है, ये प्रोग्राम का मेन फंक्शन है। इस तरीके से आपने अपने सी प्रोग्राम को लिखना है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के ऑनलाइन कंपाइलर में। चलिए, तो
स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम अपने प्रोग्राम को पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। सपोज करो मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जो कि मेरा नाम मुझे प्रिंट कराना है, आउटपुट स्क्रीन पे मुझे मेरा नाम चाहिए बड़ा बड़ा सा, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे? सी में, सिंपल प्रोग्राम है। तो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम के टॉप में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज करते हैं, यानी जो जो चीजें हमें अपने प्रोग्राम को रन करने की चाहिए वो हम सारी की सारी ऊपर इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं हैश, फिर हम लिखते हैं INCLUTE, हम इंक्लूड करना चाहते हैं, फिर हम फाइल का नाम लिखते हैं stdio.h.h, यानी हेडर फाइल उसका एक्सटेंशन है। ये फाइल मैंने प्री प्रोसेसर की हेल्प से अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर दी है। अब मैंने इंक्लूड क्यों की है? क्योंकि stdio एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है, लाइब्रेरी है या हेडर फाइल है। इसके अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के फंक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि प्रिंट है, स्कैन है। अगर मुझे प्रिंट है, यानी अपना नाम मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे प्रिंट है फंक्शन चाहिए। अब मुझे प्रिंट एफ यूज करना है। अब मैं प्रिंट एफ तभी यूज कर सकता हूँ जब प्रिंट एफ को डिफाइन की गई हेडर फाइल मैंने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड की हो। अब मैंने ये फाइल इंक्लूड कर ली है, अब मैं प्रिंट एफ को बेझिझक अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ग्लोबल वेरिएबल इसके बाद डिक्लेयर करते हैं, अभी हमें उनकी जरूरत नहीं है। तो मैं सीधे इंट मेन से अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ। मेन के बाद दो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट और फिर करली ब्रेसेस क्लोज। यानी ये मेन जो है यहां से शुरू है लाइन नंबर 3 से और लाइन नंबर 5 तक है, मतलब इस करली ब्रेसेस से इस करली ब्रेसेस के अंदर हम पूरा मेन के अंदर हम पूरा अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करें। मेन के अंदर सीधी सी बात है, हम लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं, फिर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अभी मुझे लोकल वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सिंपल एक सीधा सा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। मैं प्रिंट कराना है मुझे अपना नाम, तो मैं प्रिंट printf, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन जो कि stdio के अंदर है, इसे यूज कर रहा हूँ और इस फंक्शन को ये बोल रहा हूँ कि मेरा नाम प्रिंट करना है। तो मैं इस फंक्शन के अंदर अपना नाम पास कर रहा हूँ ताकि ये मेरा नाम स्क्रीन पे प्रिंट कर दे, और इस स्टेटमेंट को मैं सेमी कॉलन से टर्मिनेट करता हूँ। अगर मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया तो एरर आ जाएगा। और फिर इसके बाद मैं लिखता हूँ RETURN 0 लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा मेन जो है वो इंट है, तो मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, मैं 0 रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रिंट टैप फंक्शन मैंने लिखा जिसमें मैंने अपना नाम लिखा। अब मैं इसे रन करूंगा तो आउटपुट स्क्रीन पे मुझे मेरा नाम दिखाई देना चाहिए। ये रहा मेरा नाम, मेरा नाम आ गया। इसका मतलब है ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। एक बार मैं इस सेमीकॉलन हटा देता हूँ और फिर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए एरर आ गया। एरर क्या आया? इन फंक्शन में, ये एरर भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होते हैं एरर और किस किस्म के एरर आते हैं। इन फंक्शन में एक्सपेक्टेड सेमीकॉलन बिफोर रिटर्न, साफ साफ इस एरर ने यह बताया है कि भाई हमें सेमीकॉलन की जरूरत है, रिटर्न से पहले आप सेमीकॉलन लगाना भूल गए हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे सेमीकॉलन लगाता हूँ और इसे रन करता हूँ, और अब ये प्रोग्राम बिना एरर के रन हो गया। तो आज हमने अपना बेसिक सिंपल सा पहला प्रोग्राम बनाया। धीरे धीरे हम एडवांस में जाएंगे, अच्छे प्रोग्राम भी बनाएंगे, लेकिन आपका बेस क्लियर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।